और अब बात फर्स्ट इंडिया के हेल्थ फर्स्ट कॉन्क्लेव एंड अवार्ड के आयोजन की। कॉन्क्लेव में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। साथ ही कई अहम विषयों पर चर्चा भी की गई। ये रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से राजधानी जयपुर के एक निजी होटल में हेल्थ फर्स्ट कॉन्क्लेव एंड अवार्ड का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ पवन अरोड़ा मौजूद रहे। वहीं राजधानी जयपुर समेत प्रदेश की नामचीन डॉक्टर्स मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड से तैयार हो रहे हैं, ये हम सभी के लिए चिंता की बात है। इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। हमारी सोच है कि जिस तरह से सरकारी अस्पताल विकसित हो रहे वैसे ही निजी अस्पतालों का भी डेवलपमेंट हो ताकि सेवाओं में सुधार हो। खिमसर ने आईपीडी टावर और कार्डिक टावर का उदाहरण देते हुए कहा कि ये अपने आप में एक उदाहरण है कि सरकार हेल्थ सेक्टर में कितना काम कर रही है, लेकिन इन सब कामों में प्राइवेट पार्टनरशिप भी जरूरी है, तभी प्रदेश तरक्की करेगा। वहीं खिमसर ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों में खाली पद ना रहे, इसे ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों को पोस्टिंग करानी है। नतीजन प्रदेश के अधिकांश ट्रॉमा सेंटर और अन्य अस्पतालों में सेवाएं दुरुस्त हुई है। एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर सोनी ने एमआरआई सीटी स्कैन ये सब मशीन्स लगाई हैं, तो फुटफॉल इतना भारी है, द इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू ऑब्टेन अ एमआरआई और अ सीटी स्कैन फॉर अ पोल्ट्री सम ऑफ 2,500 to 3,000 rupees, एंड दिस इज द वे फॉरवर्ड। आप एवोल्यूशन ऑफ एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड देखें, जितने भी देश जो हैं वो जो एडवांस हुए हैं वो आर द लीडर्स। द एवोल्यूशन हैज बीन गिविंग अ बिगर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट श्रिंकिंग इट्स रोल इन ऑल दीज एक्टिविटीज। और हमारे सरकार के पास ऑलरेडी इतनी भारी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दैट प्राइवेट सेक्टर, अगेन आई एम रिएटरेटिंग दैट आपके पार्टनरशिप के बिना पब्लिक हेल्थ कैन नॉट बी डन ऑन सच अ लार्ज स्केल एंड डन इफेक्टिवली। हेल्थ फर्स्ट कॉन्क्लेव एंड अवार्ड समारोह में फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ पवन अरोड़ा ने कहा कि कॉन्क्लेव के पीछे एक सोच है, हमारा काम सिर्फ न्यूज देना ही नहीं, हमारे लिए सामाजिक सरोकार भी जुड़ा हुआ है। कोरोना काल के बाद हेल्थ सेवाओं में बहुत परिवर्तन आया है। इस पूरे कॉन्क्लेव को लेकर हम एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। राजस्थान में करीब 8,000 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें करीब 47,000 बेड हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में 48,000 बेड हैं। राजस्थान में 400 सुपर स्पेशलिटी 35 मेडिकल कॉलेज हैं। आज शहरी क्षेत्रों में 25% लोग रहते हैं, वहीं 75% सुविधाएं शहरी क्षेत्रों के लिए है, जबकि ग्रामीण परिवेश में 75% आबादी रहती है, लेकिन वहां सुविधाएं कम है। मेडिकल टूरिज्म में राजस्थान बड़ा प्रदेश बनता जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हो रहा है। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि कंपटीटर। राज्य में अच्छी लैब का अभाव है, एमआरआई जैसी चीजों में लंबी लाइन और लंबा वक्त लगता है। टेलीमेडिसिन को ग्रामीण लेवल तक ले जाना बेहद जरूरी है। जैसे ई मित्र है वैसे ही टेलीमेडिसिन होनी चाहिए। टेलीमेडिसिन के साथ पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब भी होनी चाहिए। मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा खर्च होता है, इसके लिए सरकार को स्पॉन्सरशिप जैसी चीजें चलानी चाहिए। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको अगर हमको मॉडर्नाइज करना है, उनमें अगर हमको वैसी ही सुविधाएं देनी है जैसी सुविधाएं हमारे एसएमएस में उपलब्ध हैं, तो मैं समझता हूं, हम लोग ये समझते हैं कि उनको हमें या तो कोई ना कोई अनुदान देना पड़ेगा या इंटरेस्ट फ्री लोन हमको उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आज चाहे एमआरआई की मशीन हो, सीटी की मशीन हो, पैथोलॉजी के टेस्ट की आधुनिक मशीनें हों, वो बहुत बड़ा खर्चा है, उस खर्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं उठा सकते। हमारा ऐसा मानना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो काम कर रहे हैं वो सरकार का ही सहयोग कर रहे हैं। बेसिकली वेलफेयर स्टेट में ये एक सरकार से अपेक्षा होती है कि वो आम आदमी को अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन सरकारी अस्पतालों की अपनी सीमा है,
सरकारी अस्पताल सब जगह नहीं हो सकते हैं, तो निजी अस्पताल जो इस काम में आगे आ रहे हैं तो उनको हम कैसे सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे हम उनको रियायती दर पे जमीन दे सकते हैं, कैसे हम उनको सब्सिडी दे सकते हैं, कैसे हम उनको मॉडर्नाइजेशन के लिए आधुनिकतम मशीनें खरीदने के लिए कैसे इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट रेट पे हम लोन उपलब्ध करा सकते हैं, इन चीजों पे हमको विचार करना होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के बारे में बोलते हुए प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि हेल्थ देश के विकास में एक अहम कंपोनेंट है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने बजट में 8.6% हिस्सेदारी मेडिकल को दी है। राजस्थान लगातार मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 29 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं जिससे मेडिकल एजुकेशन सुलभ हो गई। हमारी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना सरकारी और निजी अस्पतालों के मरीजों के लिए संजीवनी है। 900 से ज्यादा निजी अस्पताल योजना में सेवाएं दे रही हैं। 1800 से ज्यादा पैकेज में मरीजों को हर बीमारी का इलाज मिल रहा है। ये मेडिकल में हो रही नवाचार की तस्वीर है। हमारे प्रदेश के 8 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सुलभ, सस्ती और रिलायबल हेल्थ सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। आपने देखा होगा इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 8.6% ऑफ द टोटल बजट हेल्थ सेक्टर को दिया है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए इनोवेटिव स्टेप है। बिकॉज हम लोग हमेशा बात करते हैं, पहले 10-15 साल पहले देखते थे तब बात 3% ऑफ द बजट की होती थी, धीरे धीरे 6% हुआ। अब 8.6% पूरे बजट का अगर हेल्थ सेक्टर को राज्य सरकार ने कमिट किया है, ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी ने, ऑनरेबल मंत्री जी के डायरेक्शन में हुआ है, दैट शोज द कमिटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि हम हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करना चाहते हैं। कार्यक्रम में चिकित्सा और शिक्षा विभाग सचिव अमरीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य एक सामान्य प्रक्रिया है, चिकित्सा और स्वास्थ्य खराब होने पर दी जाती है। कोई भी सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहता, लेकिन सच तो ये भी है कि कुछ अस्पतालों में सर्विस खराब है तो बहुत से में सर्विस बेहतरीन है। हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को अच्छी सर्विस मुहैया करवाई जाए। यदि किसी की जेब में भी पैसे हैं तो वो आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में जाना नहीं चाहता है। तो आज हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सरकारी तंत्र में भी यदि आप कहीं पर जाएं तो हम आपको एक प्रिडिक्टेबल लेवल ऑफ सर्विस दे पाएं। आज सर्विस अच्छी भी है, ख़राब भी है, कहीं कहीं बहुत अच्छी है, कहीं कहीं बहुत ख़राब है, लेकिन कहाँ अच्छी है और कहाँ ख़राब है इसके बारे में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो प्रिडिक्टेबल लेवल ऑफ सर्विस हम जनता को दे पाएं उसके लिए हमने कुछ बिंदुओं पर पहल की है। सबसे पहले तो सरकारी अस्पतालों में हमने एक सफाई अभियान चलाया है और मेंटेनेंस अभियान चलाया है, जो एक नियमित रूप से सरकारी अस्पतालों में सफाई और मेंटेनेंस रहे उसके लिए हम उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, जो आपको अगले 3 से 6 महीने में उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। कार्यक्रम में स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की CEO प्रियंका गोस्वामी, RUHS के वाइस चांसलर डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, MGUMST चेयरमैन डॉक्टर ML स्वर्णकार सहित चिकित्सा सेक्टर से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत की। वहीं कॉन्क्लेव में 2 सेशन का भी आयोजन किया गया, साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले डॉक्टर्स और प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा के साथ जियाउद्दीन खान, भारत दीक्षित की रिपोर्ट।